अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला टोस्ट सैंडविच। तो इसकी रेसिपी हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। वैसे तो सभी लोग को पता है मसाला टोस्ट सैंडविच कैसा होता है, खाने में भी तीखा और टेस्टी होता है। और मुंबई की तो जान है मसाला टोस्ट सैंडविच हो या कोई भी सैंडविच हो, अलग आजकल तो बहुत वैरायटी में सैंडविच मिलते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला टोस्ट सैंडविच। सबके बनाने के तरीके अलग है, मेरा भी तरीका बनाने का अलग है। तो मैं कैसा बना रही हूँ देखते हैं। मैंने राई और ज़ीरा डाला, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना। मैंने 5 से 6 ये ना मिर्ची का ठेसा है, और मैंने बटाटे ना मैश कर दिया है, मिक्स कर दिया है, मतलब उसको वो कर दिया है। उसके बाद में नमक 1 चम्मच डाला, हल्दी 1 चम्मच, काली मिरी ना मैंने डाली हूँ। और उसके बाद में ये देखिए, ये मैंने बगार में डाला है ठेसा, जो कि ना देखिए दरदरा है, पिसा हुआ मसाला नहीं है, दरदरा आपको रखना है, क्योंकि ये बटाटे में अच्छे से वो हो जाए, टेस्ट आए इसका बटाटे में, इस वजह से। तो इसमें अदरक है, लहसुन है और मिर्ची है, और ये मैंने बगार दिया है ज़ीरा और राई का। तो ये ठेसा मैंने डाल दिया, अब मुंबई भाषा में इसको ठेसा ही बोलते हैं। उसके बाद मैंने बटाटा जो एकदम उसको बारीक करके रखा था, मैश करके रखा था, वो उसमें मैंने काली मिरी, नमक और हल्दी, ये 3 चीज़ें उसमें डाल के रखी थी, वो मैंने डाल दी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी मेरी डेगची के अंदर, देखिए। और ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से, अच्छा इसको ना बारीक आंच में रखना है, बहुत ध्यान से करना कि आपकी चीज़ें जले नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को ये गाइड करती हूँ कि जो भी पकाए तो क्या होता है, मतलब मैं जल जाता है ना तो चीज़ों का टेस्ट ही ना बदल जाता है। तो बस इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना कि कभी भी आपका खाना जले नहीं। कभी कभी ना कुकर में हो जाते ही है ये चीज़ें, फिर भी उसका भी ध्यान रखिए। तो फिर देखिए, मैंने कोथमीर बहुत सारी डाली है इसमें, क्योंकि टेस्ट यही ज़्यादा देगा खाने में और बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छे से मिक्स कर दिया, और उसको है ना बारीक आँच पे रख के मैंने दम पे रखा है। अगर किसी को आता है तो करे, नहीं आता है तो नहीं करे, मिक्स करके गरम करके अच्छे से उतार दे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी डेगची ज़रा भी नहीं जली है और ना ही लगी है नीचे। रीज़न ये बताने का कि आप लोग भी ये चीज़ें ध्यान से करें और ध्यान से बनाएं। अच्छा ये हो गया है मेरा। अब ये ब्रेड के स्लाइस है, इसके ऊपर मैं ये जो मसालेदार बनाई हूँ बटाटा टोस मसालेदार, तो ये मैं पूरा बटाटे का जो बनाई हूँ ये मैं इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी मसाला। देखिए ये मैंने लगा दिया, अब मैं इसको ऊपर से पैक कर दूंगी। और इसको है ना आपके हाथ के हाथ से थोड़ा सा प्रेस कीजिए आपके हिसाब से, ना के नीचे का भी ब्रेड को तकलीफ वो हो जाए और ना ऊपर के, और अच्छे से वो चिपक जाए और प्रेस हो जाए। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ब्रेड के स्लाइसिस को भी ध्यान से रखना जैसे कि वो स्लाइसिस है, तो उस हिसाब से आप रखेंगे। और है ना इसको गैस पे जो गरम करते हैं, तो जो दुकान वाले करते हैं ये, और ऐसा भी होता है इलेक्ट्रिक का भी होता है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला है, मगर अभी जो अवेलेबल था वो मैंने, तो इसको सांचे को इसको तेल लगाना है, ये याद से आप लगाना, नहीं तो आपका ब्रेड उसको चिपक जाएगा। तो ये सांचे को मैंने दोनों साइड पर तेल लगा दिया है, अब इसको मैं बंद करूँगी। देखिए ये लगा दिया था, और उसके ऊपर फिर मैं बंद करूंगी, और मैं गैस पे है ना दोनों साइड मीडियम आंच है, ये फास्ट आंच नहीं है, मीडियम आंच है, इसको सेकूंगी बहुत अच्छे से। तेल डाला है ये मैं आपको जैसा बता रही हूँ छोटे चम्मच से, क्योंकि ये डालना जरूरी होता है, नहीं तो ब्रेड अंदर से चिपक जाएगा, इस वजह से। तो बहुत अच्छे से आप सेकेंगे। मैंने पहले 4 ही ली हूँ, ऐसे तो मैंने 12 से 15 बनाई थी, मगर मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 4 ही। रीज़न ये क्या, देखिए ये अच्छे से सेके जाना चाहिए, और मीडियम आंच पे रखिए, फिर बारीक रखिए, थोड़ा सीख जाएंगे तो, क्योंकि आपके ब्रेड के स्लाइस जलने नहीं चाहिए। इसका बहुत अच्छा ध्यान रखना, खाने में एकदम टेस्टी बने थे, बहुत तीखे हैं और बहुत टेस्टी, और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखना, और मेरा चैनल कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।